और भाई ये जगह फेमस है सिर्फ दो चीज़ के लिए, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये दो चीज़ के लिए। मतलब वो इतना बड़ा त्रिशूल है ना, और गड़ा हुआ है भाई, रियल रियल त्रिशूल गड़ा हुआ है उस मंदिर में सबसे टॉप पे। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नलो, वेलकम बैक टू एसपी लाइफ। तो भाई आज बहुत धूप है, आज कहीं निकलने का मन नहीं कर रहा, फिर भी एक बच्चा को लाने जा रहे हैं जो हमारे मिले थे जब इस बार गाँव गए थे ना। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चा है वैसे। देखो आज कितना धूप है भाई, अभी निकलने का सीन तो नहीं है, उसको बस लाने जा रहे हैं। मस्त बच्चा, देखो ब्लॉग देखना, फुल ब्लॉग तो एंजॉय करते रहो बस, और सब्सक्राइब ठोक दो भाई एसपी लाइफ को, सपोर्ट करते रहो। तो अभी निकल रहे हैं, पहन लेते हैं अपना धूप रोधक, बस एंजॉय करते रहो। चलो तो देखो बिहार से आया मेरा भाई, चलो घर चलो पहले। कहाँ आ गए पता है जान, बरियातू पहली बार ये एरिया में आया। तो बहुत बकवास कर रहा भाई ये सुबह से, और अभी थोड़ा देर में अपना घर, अब निकलते हैं इसके घर से, इसको लेके अब ये अपना घर घूमेगा, रांची घूमेगा आज, है कि नहीं? हाँ जी। हाँ तो तुम है ही इतना बकवास करने वाला, देखो घर आ गया, ये भी आ गया। तो ब्लॉगिंग करना ये हमारे तुमसे कितना तुमसे कितना लंबा लग रहा है एमएस धोनी जान रहा है। हम भी हो सकते हैं, पैसे बोल लेना पड़ेगा। तुम तो ब्लॉगिंग करने वाला था ना, है? आप दिए नहीं फोन, ये स्कूटी उड़ा लेते तो मजा आया। बस चल रहा है भाई, इसका बकवास चल रहा है छोटे भाई का। चलो देखो, चलो भाई नहीं दिया तुमको तो नहीं देगा तुमको भाव। तो अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत लंबा नींद के बाद उठे हैं, 5 बज चुका है दोपहर में, जो मस्त खाना खा कर नींद आता है भयानक। आज अभी तो धूप हटा दिया है 5 बजे। देखो वो बच्चा भी चला गया, हम ज़्यादा देर लगता है सो गया तो बोर होकर चला गया भैया के साथ, भैया उसको छोड़ दिया। तो अभी हम भी निकल रहे भाई दोस्त लोग के साथ, उससे पहले मिल लो हमारा डीजे से, कुछ बोलना चाहोगे ब्लॉग में है? कुछ तो बोलो, नहीं कुछ बोलने चाह रहा ये। और भाई शाम को कहीं जाने का प्लान भी कैंसिल, क्योंकि भैया गाड़ी लेके चला गया, तो भाई बिना गाड़ी के तो घूम तो नहीं पाएंगे कहीं दूर थोड़ा जाके, तो लगता है कॉलोनी में ही रहना पड़ेगा। अरे यार इतना आवाज़, तो इस वजह से निकल रहे दोस्त लेके पास। देखो अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो भाई दिखाते हैं। मैं भाई हम भी कितना बड़ा पागल है, उल्टा शर्ट पहन लिए, आधा दूर जाने के बाद हमको पता चला कि उल्टा शर्ट है, अच्छा हुआ कोई देखा नहीं। बताओ इतना नींद में रहते हैं, नींद से उठे और उल्टा शर्ट पहन के चल दिए। दैट्स परफेक्ट, अब हो गया अपना सीधा शर्ट, अब निकल सकते हैं, बाय बाय। तो देखो बहुत दिनों बाद भाई पलटू हमारे ब्लॉग में आए हैं, क्योंकि हम लेट इसलिए ट्यूशन जाते हैं क्योंकि हमें दुनिया के बॉस। 5 बजे से ट्यूशन है, 5:10 में जा रहा है, अबे जा जल्दी जाओ तुम, एक दिन अच्छा से आना, एक दिन अच्छा से आना ब्लॉग में, तुम्हारा फैंस वेट कर रहे हैं। तो भाई आ चुके हैं घर, और एक टॉपिक के ऊपर भाई बात करते, क्योंकि दिन बचा हुआ है और बात करना भी था। कल जैसे हम लोग गए थे ना पंचघाट वाटरफॉल, तो उसी टाइप का एक जगह हम लोग कल गए, सोचे थे जाने का टंगी नाथ, जगह है गुमला में, और भाई गुमला हम लोग सोचे थे जाने का लेकिन बाय रोड, लेकिन अपने पास उतना था नहीं, स्कूटी था, स्कूटी उतना दूर मेरा नहीं चल सकता 150 किलोमीटर। बाबा टंगीनाथ धाम है एक, जिसको बहुत लोग जाते हैं भाई पूजा करने, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक होता है ना पावर वाला स्थल,
वैसा स्थल है मतलब। और भाई ये जगह फेमस है सिर्फ दो चीज़ के लिए, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये दो चीज़ के लिए, और वो चीज़ रियलिटी है। अब वो हमको भी नहीं मालूम लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं, वही देखने के लिए हम लोग जा रहे थे। ये दो चीज़ जो है ना भाई फेमस, इसी वजह से ना 1000 शिवलिंग है वहाँ, टंगीनाथ बाबा टंगीनाथ जो धाम है उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर जाना रहता है, बहुत सीढ़ी चढ़ के उसके ऊपर 1000 शिवलिंग, 1000 से ज़्यादा मतलब शिवलिंग है वहाँ भोलेनाथ का, सोचो 1000 से ज़्यादा शिवलिंग, छोटा बड़ा अलग अलग साइज़ का शिवलिंग है वहाँ। और वहाँ पर सबसे मेन चीज़ है ना परशुराम भगवान का कहेंगे या त्रिशूल कहेंगे, उनका जो मेन उनका था ना औजार जिससे वो रखा करते थे बाबा लोग, जैसे पहले त्रिशूली कहते हैं, चलो हम त्रिशूल कहते हैं। और भाई मतलब वो इतना बड़ा त्रिशूल है ना और गड़ा हुआ है भाई, रियल रियल त्रिशूल गड़ा हुआ है उस मंदिर में सबसे टॉप पे। और वो अभी का नहीं भाई, परशुराम भगवान समझ लो कब का ये बात है, कब का त्रिशूल है, कब का बात है भाई, वो अभी तक गड़ा हुआ उसमें। और आज तक वहाँ के लोग बताते हैं इसको कोई निकाल नहीं पाया, कुछ चीज़ नहीं निकाल पाया, वो इतना अंदर गड़ा हुआ है, इतना दिखा दे रहा है एक वीडियो। अच्छा ये देख लो पहले उसका फ़ोटो देख लो, ये साइड में दिख रहा होगा, चलो भाई इसका इतना मतलब बड़ा, इतना अंदर तक ये गड़ा हुआ है ना, इतना अंदर तक कि इसको कोई आज तक निकाल नहीं पाया, सोचो ऐसा मतलब त्रिशूल है ये। और इतना ही निकला होगा भाई मेरे हाइट का तक का निकला होगा अपना, तीन चीज़ें उस पर बना हुआ है वो त्रिशूल, उसके आगे कुछ और, ये सब उनका ये था प्रहार वहार करने के लिए कुछ है, परशुराम भगवान का ये था, और ये अभी तक गड़ा हुआ है, सोचो। इसको कहा गया ना कि बहुत लोग निकालने की कोशिश किया लेकिन अंदर से भाई फिर बहुत सारे कीड़े बिच्छू ये सब निकलने लगते हैं, अगर निकालने की कोई कोशिश भी करता तो बहुत सारे, और बोला गया है बहुत अंदर तक गड़ा हुआ। तो इसी वजह से भाई ये जगह फेमस है, असली उनका जो फादसा उसको कहते क्या उसको कहते हैं जो भी त्रिशूल कहा जाता, उसी समय से ये पड़ा हुआ, और ना इसमें जंग लगता है ना इसमें कुछ, ऐसा ही जो दिख रहा है वही सालों से दिख रहा है अभी तक मेन। और 1000 शिवलिंग के लिए वो जो फेमस है जगह टुंगीनाथ बाबा टुंगीनाथ धाम उसको पूरा कहते हैं भाई, वहाँ जाने का रास्ता नहीं जानते, वहाँ जाने का हम लोग बहुत मन था क्योंकि भाई ऐसा ऐसा जगह ही तो भाई एक्सप्लोर करने में बढ़िया लगता है भाई। तो बस देखो जाने का भाई मन था लेकिन अपने पास सोर्स नहीं है वहाँ पर जाने का, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सिर्फ अपना ही गाड़ी लगता है, अपना ही गाड़ी वो भी बाइक, ज़्यादा कार वार वाला भी नहीं वहाँ सीन है, क्योंकि वहाँ सुने ये नदी वदी पार करना पड़ता है सर बाइक वाइक से, वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाता भाई, मतलब ये लोकल व्हीकल कोई नहीं जाता, अपना ही गाड़ी से अगर जा सकते तो जाऊँगा, ट्रेन तो गुमला तक ही जाएगा, ट्रेन अगर ले भी लेते तो, लेकिन हम लोग सोचे स्कूटी जाने का, बता स्कूटी जा भी नहीं पाता मेरा एक्टिवा उतना दूर भाई, एक दिन लेकिन जाना है झारखंड में ये जगह टंगीनाथ धाम, आप लोग भी जाओ बहुत ही बढ़िया जगह, हम भी नहीं गए, जाना है भाई हमको भी, लेकिन भाई ऐसा ऐसा सुन दे तो भाई बढ़िया है, इसलिए एक्सप्लोर करो ये सब जगह झारखंड में अगर हो तो आप लोग को भाई एक्सप्लोर करना तो बेस्ट जगह है ये बाबा टंगीनाथ धाम, जाओ एक दिन तो भाई प्रॉपर लग ही जाएगा, अगर आना जाना करोगे खुद का गाड़ी एक दिन प्रॉपर लग जाएगा, तो एक दिन हम भी जाऊंगा एक्सप्लोर करूंगा। तो आज का वीडियो भाई यहीं एंड करते हैं भाई, ब्लॉग एसपी लाइफ को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करते रहो भाई, डेली ब्लॉग लाता हूँ, डेली कुछ ना कुछ ऐसे ही बताऊँगा भी और डेली लाइव भी दिखाऊँगा, तो बस भाई सब्सक्राइब कर दो, चलो बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं।